हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कैसे? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं फाइल कर रखा तो अभी भी टाइम है, कुछ पेनाल्टी देनी है हमें सरकार को। सही सुना, सरकार को, और आपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। खैर, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि कैसे आप बिलेटेड रिटर्न और क्या पेनल्टी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर रखा है तो क्या आपने उसे वेरीफाई किया है या नहीं किया है। अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है तो ये जान लें कि वो इनवैलिड हो सकता है। सही सुना, इनवैलिड हो सकता है। तो 120 दिनों के अंदर, जिस दिन से रिटर्न फाइल हुआ उसके 120 दिनों के अंदर आपको अपने रिटर्न को ई वेरीफाई या आप उसको हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं और ई वेरीफाई कर सकते हैं। दोनों चीज, मैंने वेरीफाई भी बोला, ई वेरीफाई भी बोला। ई वेरीफाई इसलिए बोला कि ई वेरीफाई करने के अलग प्रोसीजर है, वेरीफिकेशन के अलग प्रोसीजर है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि मेरे सीनियर सिटीजन या वैसे लोग जो कि जो थोड़ा टेक से भी नहीं है, उनके लिए आसान तरीका है। आप अपने एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लें, नीचे साइन करें और उसे नीचे ही देखेंगे कि ब्लैक शब्दों में, बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है सीपीसी का एड्रेस। उसको इनवेलप में डालें और सिंपल पोस्ट से भेज दें। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन याद रखें केवल और केवल सिंपल पोस्ट से ही भेजें, दूसरा किसी भी तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हमारे स्मार्ट खिलाड़ी लोगों को, जो कि बहुत आराम से कहीं से भी और मोबाइल से, लैपटॉप से अपना रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए बात करने वाला हूं कि मोबाइल पे थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का हमारा जो पोर्टल है बहुत फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा है और बहुत आसानी से मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो उसमें बहुत तरह के तरीके, तो उसमें पहले तरीके की हम बात करते हैं, आधार ओटीपी वेरीफिकेशन। आधार ओटीपी वेरीफिकेशन भी बहुत आसान है। आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट पर जाना है, आपको अपना लॉगिन करना है अपने पैन कार्ड से, दूसरे के पैन कार्ड से नहीं, अपने लॉगिन करने, पासवर्ड डालना और इंटर कर जाना है। जब आप अंदर आते हैं तो आपको एक डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड में आपको ई फाइलिंग के टैब में जाना है। थर्ड कॉलम पे ई फाइलिंग का टैब होता है, उसमें जाके ई फाइलिंग में आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में जब टैब को हिट करते हैं तब आप अंदर जाते हैं, वो आपको प्रोसीजर साइड में दिख रहा होगा। वहां पे सबसे पहले आता है आपका पैन नंबर, फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होता है, आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, फिर फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करना होता है, फिर सबमिशन मोड सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको आधार का ऑप्शन देता है जो कि आप ओटीपी जनरेट कर सकते हैं, जो कि 30 मिनट टाइम के लिए वैलिड होता है। एक बार आप जब उसको कंटिन्यू करते हैं तो वो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आता है और उस ओटीपी को फिर आप अपने इनकम टैक्स फाइलिंग वाले वेबसाइट पे इंटर करते हैं और सबमिट करते हैं, जिससे कि आपका ई वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ये ओटीपी बेस तरीका है, बहुत ही आसान है, हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको ई वेरीफाई करने में। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा है कि नेट बैंकिंग के थ्रू। एक चीज़ याद रखेंगे कि नेट बैंकिंग के केस में सारे बैंक ये फैसिलिटी नहीं देते हैं, लिमिटेड नंबर्स ऑफ बैंक से जो कि ये फैसिलिटी देखते हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वो बैंक आपको फैसिलिटी देता है या नहीं देता है। राइट साइड में जब आप देखेंगे वहां पे ई फाइलिंग का एक लिंक आता है। अगर आप अपने जो भी आपका कंसर्न बैंक है उसके पोर्टल के अंदर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि एक ई वेरिफिकेशन का फॉर्म आता है। आप जब ई वेरिफिकेशन फॉर्म को क्लिक करते हैं तो ई फाइलिंग की साइट पे इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे लेके जाता है। वहां पे आप इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करते हैं, फिर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं, आईटीआर के नेम सेलेक्ट करते हैं, सबमिशन मोड सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगेन वो आपको ई वेरीफाई कर देता है। यहाँ पे कोई ओटीपी नहीं आता है क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक एक ऐसा माध्यम है जहां से आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो उसके थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आपने कर दिया। तीसरा है बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर के लिए भी बहुत आसान है। अगेन आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट पे जाना होता है, वहां पे आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना होता है। सही सुना, सबसे लास्ट का कॉलम प्रोफाइल सेटिंग का होता है, आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना होता है। वहां पे फ्री वैलिडेट करने का एक ऑप्शन आता है, प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। उसको क्लिक करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, अगेन वही प्रोसीजर आता है, ई फाइलिंग टैब, इनकम टैक्स रिटर्न, असेसमेंट ईयर, आईटीआर नेम, सबमिशन मोड। सबमिशन मोड में जनरली आप एक्सएमएल ही कंटिन्यू करेंगे। फिर ईसीबी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, वो बैंक के प्री वैलिडेट हो जाता है। जब ईसीबी आप सेंड करते हैं तो जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होता है वहाँ पे ईसीबी कोड, एक ओटीपी आ जाता है। उस ओटीपी को यूज़ करके आप अपने अकाउंट को प्री वेरीफाई कर सकते हैं।
तीसरा तरीका है डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में भी सेम प्रोसीजर होता है, आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाना होता है। प्रोफाइल सेटिंग में आपको प्री वैलिडेशन जो डीमेट अकाउंट में जाना होता है, वहाँ ई फाइलिंग टैब आता है, इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन आता है कि कौन सा क्या है, ITF फॉर्म्स आते हैं, सबमिशन मोड आता है, फिर कंटिन्यू करना होता है। उससे भी ECB जो आपका अकाउंट है उस पर आपके OTP आ जाते हैं, उस OTP के थ्रू फिर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपने कैसे सबमिशन दिया है, और आपको अपना ECB इंटर करना होता है, और उसके बाद वो ईजिली कंप्लीट हो जाता है। अगर आप साइड में देखेंगे तो हमने स्टेप भी दिखा रहे हैं उसको। इसके अलावा ATM पिन आप ATM के थ्रू भी कर सकते हैं। ATM में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं आप करना चाहें, अगर आपको टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ों की समझ अच्छी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो अभी तक तरीके बताए बहुत ही आसान है, वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, ATM कार्ड को आपको अपने ATM में सेलेक्ट करना होता है, पिन वहाँ पे ई फाइलिंग का ऑप्शन आता है, पिन फॉर ई फाइलिंग डालना होता है, ECB आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आ जाता है, फिर आपको जाके इनकम टैक्स ई फाइलिंग की साइट पे लॉगिन करना होता है, ई फाइलिंग का टैब सेलेक्ट करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, फिर असेसमेंट ईयर, ITR, नेम एंड सबमिशन मोड, फिर कंटिन्यू करना पड़ता है, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई मोड ऑलरेडी जनरेटेड ECB थ्रू बैंक ATM, वहाँ पे ऑप्शन आता है, जब उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि कैसे आपको डालना है, डालते हैं वो वेरीफाई हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान तरीके हैं जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आपने रिटर्न कहीं से भी फाइल किया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती वेरीफाई करने की। ये बहुत बार हमने देखा है या लगता है लोगों को कि जिसने मेरा रिटर्न फाइल किया वो वेरीफाई करेगा, वो एकदम वेरीफाई नहीं करेगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ये केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, और इस देश को आगे बढ़ाने में जो आपने रिटर्न फाइल किया उस नंबर को भी वैलिडेट करें, क्योंकि अगर आपने इसको वैलिडेट नहीं किया तो जब देश की जो टोटल नंबर निकाले जाएंगे उसमें आपके नंबर को बाहर कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आपने अगर रिटर्न नहीं फाइल किया तो किस तरह से कर सकते हैं, और आपके जेब पे कितना खर्चा आने वाला है। सही बात, नील की भी रिटर्न होगी तो आपके जेब पे खर्चा आने वाला है, ये ध्यान जरूर रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि पेनल्टी क्या है और किस तरह से आप रिटर्न 1394, जिसको हम बिलेटेड रिटर्न या लेट रिटर्न कहते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक और कमेंट करें, और अपने उन मित्रों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है बट अभी तक रिटर्न वेरीफाई नहीं किया है, सो दैट कि वो भी आपकी तरफ अपने रिटर्न को वेरीफाई कर पाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और फायर TV पर भी हैं, और बहुत जल्दी अगर अच्छा रहा तो हम एंड्रॉयड TV पर भी आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।